हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं कहां पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, फिर भी बता देता हूं। ये है विक्टोरिया मेमोरियल और मैं इस टाइम हूं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो कोलकाता आप कैसे घूम सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, क्या बजट होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए क्या क्या यूज़फुल टिप्स हो सकती है वो भी बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस जो भी है यहाँ पे मैं आपको घुमाऊंगा। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए कोलकाता। कोलकाता में तीन मेजर रेलवे स्टेशन हैं, हावड़ा, सियालदह और कोलकाता, और देश के सभी मेजर रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और काफ़ी शहरों से यहाँ की फ़्लाइट भी आपको मिल जाएगी। कोलकाता की सबसे पॉपुलर प्लेस है विक्टोरिया मेमोरियल और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। बाहर से इसका लुक काफ़ी बड़ा सा है, जैसे कि ताजमहल वगैरह देखते हैं। हालांकि ताजमहल और भी ज़्यादा बड़ा है, पर ये भी काफ़ी बड़ा है और बाहर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ आकर। बाकी टूरिस्ट आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल यूके की रानी विक्टोरिया को डेडिकेटेड है और ये 1906 से 1921 में बनकर तैयार हुआ है। इस मेमोरियल की लागत उस जमाने में 1.5 करोड़ आई थी। इसके अंदर म्यूजियम भी है और रात को इसकी लाइटिंग होने के बाद ये और भी अट्रैक्टिव लगता है। ये है कोलकाता का एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन, जो कि धर्मतल्ला एरिया का मेन मेट्रो स्टेशन है और यहीं से अभी मैं जा रहा हूँ आगे के लिए दक्षिणेश्वर दमदम जा रहा हूँ। बेसिकली ये यहाँ की मेट्रो है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे नॉन एसी मेट्रो भी चलती है और एसी भी मेट्रो चलती है और लगभग 7-8 मेट्रो स्टेशन तक भी आप जाते हैं तो केवल 10 रुपये का खर्चा लगता है, जो कि बहुत कम है देखा जाए तो यहाँ की मेट्रो सबसे सस्ती पूरे इंडिया में है। कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पुरानी मेट्रो है और ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। अभी मैं आया हूँ कोलकाता के अलीपुर जू में और यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो है चिल्ड्रन के लिए, जो कि 5 साल तक के हैं उनके लिए 10 रुपये है और उससे ऊपर जितने भी हैं उनका 30 रुपीज़ है। अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ कि कैसा है ये। कोलकाता का जू काफ़ी पुराना है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, डियर और एक्वेरियम भी है। ये प्लेस फैमिली या बच्चों के घूमने के लिए आइडियल प्लेस है, लेकिन यहाँ पर जू में घूमने के लिए कोई इंटरनल व्हीकल का अरेंजमेंट नहीं है। कोलकाता के जू में अगर आप आते हैं तो आपको ये जू थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि ये जू छोटा है मेरे अकॉर्डिंग। अभी तक मैं जितने भी जू में गया हूँ उसके अकॉर्डिंग ये छोटा है और यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर लॉयन है, लेपर्ड है, जगुआर है, राइनो है और जगुआर वगैरह भी है, मतलब ये सब हैं, बट फिर भी कुछ दिख नहीं रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं तो सो रहे हैं। हालांकि उसमें मेरी उनकी गलती नहीं है, सो रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पर बाकी जू के अकॉर्डिंग थोड़ा कम मुझे दिखे हैं और मेंटेनेंस की भी कमी यहाँ पर दिखी है। तो मस्ट विज़िट प्लेस मैं ये नहीं कहूँगा, आने के लिए है, बाकी आप आना चाहें तो आ सकते हैं। कोलकाता के स्ट्रीट फूड्स को ज़रूर टेस्ट करें, यहाँ पर फिश की डिशेस काफ़ी पॉपुलर है। विश बांग्ला गेट कोलकाता की न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ के एंट्री फी 100 रुपीज़ पर पर्सन है और साथ ही इसमें हैंगिंग रेस्टोरेंट भी है। कोलकाता की एक नई नवेली टूरिस्ट प्लेस जो कि अभी अभी काफ़ी पॉपुलर हुई है पिछले कुछ सालों में और वो है इको पार्क। इको पार्क में मैं आया हूँ और यहाँ का एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ का पर पर्सन। इको पार्क में आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ पर फाउंटेन्स है, कैफे है और फाउंटेन शो भी आप देख सकते हैं। साथ ही बोटिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं और बच्चों को भी ये प्लेस काफ़ी पसंद आएगी। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम 4 से 5 बजे इवनिंग में रहेगा। एक
इको पार्क में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग के अलग अलग चार्ज है। इसके साथ ही साथ आप डबल डेकर बोट में भी बैठ सकते हैं और पूरे लेक की आपको ट्रिप करा देगा, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर है जिसको आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। कोलकाता का इको पार्क मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही ऑसम प्लेस है ये। और यहाँ पे आके इवनिंग में आप साइकिलिंग करें, बैठें, फैमिली के साथ आएँ, गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, आराम से आएँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे जो फाउंटेन शो होता है, यहाँ पे बोटिंग होती है, डबल डेकर की बोटिंग होती है, रेस्टोरेंट्स है, फूड है, सब इन्जॉय करें, पर यहाँ पर ज़रूर आएँ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। कोलकाता में आप आए हो तो किसी दास के रसगुल्ला ज़रूर खाएँ और घर के लिए भी ले जाएँ। रसगुल्ला मैंने ले लिया है और लस्सी भी ली है। ये टोटल तीनों आइटम मैंने लिया है 82 रुपीज़ का, 35 रुपीज़ का ये 20 कुछ ऐसे आसपास है, 20 और 30 के आसपास रसगुल्ला है। ब्लैक करंट लिया है रसगुल्ला में और एक लिया है मैंने राजभोग लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब टेस्ट मैं कर चुका हूँ और जो ब्लैक करंट वाला रसगुल्ला था वो मुझे सबसे मज़ेदार लगा है। और जो ये राजभोग है ये इसमें आपको थोड़ा मिल्क वाला टेस्ट आएगा, थोड़ा अलग डिफरेंट लगेगा ये वाकई में, तो एक इसको भी आप ले सकते हैं। लस्सी जो थी अच्छी नहीं लगी, लस्सी एवरेज थी। बाकी दोनों जो रसगुल्ला जिसके लिए फेमस है केसीदास, वो आप ज़रूर लें और इसको एंजॉय करें, मज़ा आएगा। मतलब यहाँ पे आएंगे थोड़ी जो कोलकाता की जो पॉपुलर चीज़ें जो खाने पीने में, वो आप ज़रूर लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आप यहाँ मिठाइयाँ खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ डायबिटिक स्वीट्स भी मिलते हैं। अगले दिन मैं दक्षिणेश्वर टेंपल के लिए गया। दक्षिणेश्वर टेंपल पहुँचना बेहद आसान है, आप दमदम के मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ से D9x1 बस पकड़ के सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो स्काई वॉक है ये जो आप देख रहे हैं, ये स्काई वॉक है, तो इससे आप आराम से पहुंच जाएंगे दक्षिणेश्वर टेंपल तक। ये आप जो देख रहे हैं ये है दक्षिणेश्वर टेंपल, और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस या फिर आप कह सकते हैं रिलीजियस प्लेस है कोलकाता की। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और आपको यहाँ पर अंदर जाने के लिए मोबाइल, कैमरा, पर्स सब रखना पड़ेगा बाहर ही। बाहर यहाँ पे है पूरा काउंटर बना है, वहाँ पे आप अपना सारा सामान वगैरह जो भी है डिपॉजिट करके फिर अंदर जा सकते हैं। मैं अंदर का दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही देख लीजिए और जब आइए यहाँ पर तो अंदर जा के दर्शन ज़रूर करें। दक्षिणेश्वर काली टेंपल हुगली नदी के किनारे बना हुआ एक हिस्टोरिक टेंपल है। ये टेंपल सन 1855 में रानी रासमणी ने बनवाया था। यहाँ पर घाट भी है जहाँ भक्त स्नान भी करते हैं और आप यहाँ बैठकर हुगली नदी का नज़ारा भी देख सकते हैं। दक्षिणेश्वर टेंपल से अगर आपको बेलूर मठ जाना है तो यहीं से आप जब दक्षिणेश्वर टेंपल के गेट पे आते हैं तो वहीं से एक बाएं तरफ रास्ता जाता है, वहां से आप स्टीमर से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बेलूर मठ के लिए। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं और 11 रुपए का केवल टिकट है, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी सस्ता है और काफ़ी आसानी से आप बेलूर मठ पहुँच जाएंगे। बेलूर मठ के लिए सुबह 7 बजे स्टीमर सर्विस स्टार्ट हो जाती है और हर आधे घंटे पर आपको स्टीमर दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ और बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर के लिए मिल जाएगी। दक्षिणेश्वर टेंपल से अब मैं जा रहा हूँ बेलूर मठ के लिए और ये स्टीमर है इसी से मैं जा रहा हूँ। सबसे सस्ता कन्वेंस पड़ता है, केवल 11 रुपए में आप इन नज़ारों के साथ पहुँच सकते हैं बेलूर मठ के लिए, और काफ़ी सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ स्टीमर से जाने में केवल 20 मिनट्स लगते हैं। बेलूर मठ पहुंचते ही 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके आप मेन टेंपल पहुंच जाएंगे।
यहाँ पर खाने के लिए हर दिन अरेंजमेंट रहता है जो कि फ्री होता है और आपको काफ़ी बड़े हॉल में बैठाकर खाना परोसा जाता है। ये है कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक साइंस सिटी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। और यहाँ की एंट्री फीस है 60 रुपीज़ और मैं काफ़ी लेट में यहाँ पे आया हूँ, 3:30 इस टाइम हो रहा है। अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। साइंस सिटी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एंट्री फी के अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग चार्जेज हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के अलावा आपको मॉड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। बच्चों के सीखने के लिए यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं और एंटरटेनमेंट के साथ आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। अगर आपको चक्कर खाना है तो इसके अंदर आ जाइए, आपको लगेगा कि पूरी तरह से आप घूम रहे हो, चक्कर आने लगेगा। ये दिल्ली वाले साइंस सेंटर की तरह यहाँ पे भी भूल भुलैया टाइप में है, देख के चलता हूँ। आखिरकार बैठ ही गया यार ये। रास्ता ही मिल रहा है, निकल गया फाइनली। जैसा दिल्ली का नेशनल साइंस सेंटर है ठीक उसी तरह साइंस सिटी भी है। यहाँ पे भी हिस्ट्री म्यूजियम है, वहाँ पे भी हिस्ट्री म्यूजियम है और साथ ही वहाँ पे भी साइंस के लिए भी म्यूजियम, जैसे जैसे जो जो इक्विपमेंट है वैसे यहाँ पर भी हैं। उसी तरह 3D शो वहाँ भी चलता है, यहाँ पे भी चलता है, तो ओवरऑल सारा चीज़ सेम ही मुझे लगा है। हाँ, यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइंस सिटी है, बट गार्डन्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो अंदर की चीज़ें वो सेम ही लगी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और दिल्ली का साइंस नेशनल साइंस सेंटर देख रखा है तो लगेगा कि आप वहीं पर हैं। कोलकाता की सबसे पुरानी और ख़ास चीज़ है ट्राम, बहुत शोर मचाती है पर ये एयर कंडीशन भी चलने लगी है। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर मार्केट है वो है एस्प्लेनेड की मार्केट, या फिर आप कह सकते हैं धर्मतल्ला की मार्केट। यहाँ पे कपड़े की आपको बहुत वैरायटीज़ मिल जाएंगी। कोलकाता घूमने में आपका क्या खर्चा आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए 3 दिन अगर आपके पास है तो आप आराम से यहाँ पे सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी जो मेन प्लेसेस है वो कवर करी थी, हालांकि इनके अलावा भी कुछ प्लेसेस है जिनके लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो होटल का आपका खर्चा आएगा वो अराउंड आ सकता है आपका 1500 रुपीज़ पर डे 2 एडल्ट्स का, मील्स का आपका 500 रुपीज़ पर डे का और कन्वेंस का आपका अराउंड आ सकता है यहाँ पे 2000 रुपीज़ आपका टोटल आएगा। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कार में आपके 2 लोग तो बैठेंगे, तो ओवरऑल आपका क्या खर्चा पर पर्सन आएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। होटल का यहाँ पे आपका आ सकता है 2250 रुपीज़ 3 दिन का, मील्स का आपका 3 दिन का आएगा 1500 रुपीज़ और ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा आएगा अराउंड यहाँ पर आ सकता है 1000 रुपये टोटल आएगा। तो टोटल इसका करेंगे तो आता है 4750 रुपीज़। इतना खर्चा में आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, कम खर्चे में लो बजट में घूमना चाहते हैं तो ठीक इसका आधा कर दीजिए, आप आराम से घूम जाएंगे यहाँ पे। होटल वगैरह आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा, कम में 500-600 में भी मिल जाएगा आराम से, तो आपका यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा आना नहीं है होटल पे। और मील्स का अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, मील्स भी आप स्ट्रीट फूड्स वगैरह प्रेफर करेंगे
और छोटे होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाएंगे तो कम खर्चा लगेगा। और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बस का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें। बस यहाँ पे आपको मिनिमम फेयर 7 रुपये है, तो बहुत सस्ता है और काफ़ी दूर तक पहुँचाती है। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे अगर आप बुक करते हैं ओला वगैरह तो वो भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। अगर आप बाइक वगैरह से सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो बाइक आसपास के लिए बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे मेट्रो वगैरह 10 रुपये लगता है, आसपास 5-6 मेट्रो भी जाना है तो 10 रुपये में आप आराम से घूम सकते हैं। तो काफ़ी सस्ता ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, तो इसको मैं इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो 2 से 2500 रुपये में आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। और बाकी यहाँ की जो प्लेसेस है वो तो मैंने दिखाई दी थी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।